आइए दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी चैनल पे, आदित्य ब्लॉग पे। दोस्तों, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। कुछ नया यानी अभी तक मैंने प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो बनाए, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो बना, आज मैं इन्वेस्टमेंट यानी बच्चों के इन्वेस्टमेंट, बच्चों के भविष्य के रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों, ये मैंने पहला मेरा वीडियो है जो बच्चों के रिलेटेड है, एक स्कूल का वीडियो। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट और शेयर करना, तो मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं सेंट जेवियर स्कूल, रामोल गत्राड़ रोड। ये स्कूल आई हुई है रामोल गत्राड़ और वस्त्राल के बिल्कुल पास में। यहाँ से रिंग रोड सिर्फ 1 किलोमीटर पे आए डिस्टेंस पे है। यहाँ का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ से कई मेरे फ्रेंड हैं जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि प्लीज़ आप एक यहाँ का वीडियो बनाइए, क्योंकि यहाँ पे 10 साल से ये स्कूल बनी हुई है और इन्होंने, आप देख सकते हो कि ये पूरा नया बिल्डिंग यहाँ पे बनाया है, और यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी लो है और पढ़ाई भी एक लेवल से ऊपर की है। तो मैंने, मेरे सब फ्रेंड लोगों ने कहा कि एक बार आप इसका भी वीडियो बनाइए, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सेंट जेवियर स्कूल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट करना। मेरे वीडियो में आप एंड तक बने रहना, ये हमारे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्कूल वाले नई नई चीज़ें आपको देते हैं, एडमिशन के साथ में क्या क्या एक्टिविटी देते हैं, वो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं स्कूल के प्लेग्राउंड और स्कूल की बिल्डिंग की तरफ। आइए। दोस्तों, अब हम आ गए हैं सेंट जेवियर स्कूल की ये जो नई बिल्डिंग बन रही है उसके लोकेशन पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरा लोकेशन यहाँ पे रेडी हो गया है। ये 3 लेयर का लोकेशन है, 3 माल की पूरी बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, यानी पढ़ाई की पढ़ाई और खेलने के लिए भी बहुत अच्छा बड़ा प्लेग्राउंड मिलेगा। और दोस्तों, आप देख सकते हो कितना बड़ा स्टडी रूम है। यहां पे मैंने इंक्वायरी किया तो मुझे मालूम चला है कि इतने बड़े स्टडी रूम में सिर्फ 20-25 बच्चे ही पढ़ेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एक साथ में 50-100 बच्चे एक ही क्लास में ले लिए, ओनली 20-25 बच्चे ही एक क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं डायरेक्ट सेंट जेवियर स्कूल के फादर के पास, जो हमें यहाँ की पूरी डिटेल और इंफॉर्मेशन देंगे। आइए दोस्तों। हेलो फादर। या गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज कम। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ गए हैं सेंट जेवियर स्कूल के फादर के पास। सर, योर गुड नेम प्लीज। सर, आई एम फादर लॉरेंस मार्टिन्स। ओके ओके, बैठिए सर। ओके दोस्तों, हमारा जो बच्चा होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका स्टडी। तो हम लोग आपको सेंट जेवियर स्कूल में तो लेके आए हैं, लेकिन यहाँ की जो मेन चीज़ है वो हम फादर से पूछेंगे, वो फादर हमको शेयर करेंगे कि हमारे बच्चे को सेंट जेवियर स्कूल में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वो उसके फ्यूचर का सवाल है। तो फादर हमको बताएंगे कि सेंट जेवियर स्कूल क्या है और किससे रिलेटेड है और यहाँ पे बच्चों का एडमिशन क्यों लेना चाहिए। तो फादर, ये जो सेंट जेवियर स्कूल है आपका, उसका मेन लोकेशन किस तरह से है? यहाँ पे किसी को आना हो तो कैसे आ सकता है? सेंट जेवियर स्कूल पूरे वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स है। ओहो, थाउजेंड्स ऑफ स्कूल है। एंड इन अहमदाबाद देयर आर 6 स्कूल्स आर देयर इन अहमदाबाद। ओके। एंड ईस्ट साइड में, अहमदाबाद के ईस्ट साइड में, यानी कि मणिनगर से इस तरफ, ओके, हमारा बिशप ने सोचा कि वी शुड हैव वन इंस्टीट्यूशन टू दिस एरिया। ओके। इसलिए वी हैव बॉट दिस लैंड एंड आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू बिल्डिंग नाउ। ओके। टू हैव अ न्यू स्कूल फॉर दिस
east side of Ahmedabad. Okay. So this is located on the Adani Circle to Gatrat Road, on the Ring Road. We have located in Matikai bus stand, near Matikai bus stand, Gatrat Road. तो फ्रेंड्स वस्त्राल रामोल और गत्राड के पास में आया हुआ लोकेशन है, यानी बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है जहां पे बच्चे बहुत ही इजीली पहुंच सकते हैं। तो सर ये आपका जो स्कूल है ये यहाँ पे कितने साल से है? नाउ फ्रॉम 2014 वी स्टार्टेड। ओके, वी आर ट्राइंग टू गेट द परमिशन एंड बिल्ड द थिंग्स एंड इट वेंट ऑन फॉर 78 इयर्स नाउ। ओके, नाउ वी आर रेडी with a new building. Okay. Otherwise, we are running it from 2014. Okay. 2014 से ये school start है. मैंने आपको building इनका जो नया building है, वो भी बताया कि पूरा नया building इनका बन रहा है. पूरा 3 floor का building है और बहुत बड़ा playground भी है. तो father अपने जो आपने बात कहा कि यहाँ पे कौन से standard के बच्चे पढ़ते हैं? Now we will be having it from nursery till 8th standard. Okay, nursery to junior KG, senior KG, first standard to 8th standard. Okay. There are about 20 students, 25, 30 students around now. Okay. In each class. Okay. Yeah. Only 25 to 20 students. Yeah. मैंने आपका जो classroom देखा बहुत बढ़िया बनाया है और आप yes. बड़ी big size में भी है yeah. और उसमें भी 20 से 25 बच्चे होंगे एक class के अंदर. Yes, yes. यानी बहुत ही बच्चों को पढ़ाई करने का मजा आएगा. Yes. तो ये जो आपका अभी 8th standard तक का बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आगे फ्यूचर में क्या क्या आप ऐड करने वाले हो? नाउ वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट 9th स्टैंडर्ड. ओके, एंड आल्सो मे बी विद इन 1 or 2 years वी हैव बीन प्लानिंग टू मेक इट आईसीएसई बोर्ड और मे बी सीबीएसई बोर्ड. ओके, सो व्हाटएवर द डिमांड दैट द पेरेंट्स आर आस्किंग दैट वी विल बी गेटिंग इनटू. ओके, फिलहाल नाउ वी हैव गॉट तो बहुत बढ़िया है. तो 8 से भी आप स्टैंडर्ड आगे ले जाने वाले हो? यस यस, फ्रॉम टिल 12th स्टैंडर्ड वी विल बी टेकिंग. ओके, वो नया बिल्डिंग बनाया तो आप 12th. वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द 9th स्टैंडर्ड. ओके ओके, एंड वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जून 9th स्टैंडर्ड. तो मैं ये तो समझ गया सर, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका मेन, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि पढ़ाई का खर्चा बहुत होता है. yeah. बरोबर, क्योंकि एक बताया जाए ना तो पूरा एक इंडस्ट्रीज हो गया है. एग्जैक्टली. yeah. yeah. एक जो एजुकेशन एक पूरा इंडस्ट्रीज हो गया है. तो मैं खास ये पॉइंट पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपना फीस का स्ट्रक्चर क्या है? ओके, now it is prescribed the fees the regulatory committee of Gujarat. Yes. So we have got 15,000 now at present fees. 15,000 plus 2,000 admission fees. Okay. Other than we don't take anything, no donation, nothing, and we include all the activities, curricular activities, all the programs in this only. ओके ओके, यानी 50,000 प्लस 2,000 यानी 17,000 रुपए में पूरे साल का फीस आ गया. exactly. एक बच्चे का. yeah. यानी उसमें जूनियर केजी, सीनियर केजी या एट्थ में पढ़ता है, इक्वल फॉर एवरीबॉडी सबका. अच्छा, और विद 3 इंस्टॉलमेंट्स. ओके ओके, दे डोंट हैव टू पे सडनली. ओके ओके, दे कैन पे. ओके ओके, यानी 3 इंस्टॉलमेंट में भी आप कर सकते हो, यानी आप पेरेंट्स को इतना फैसिलिटी दे सकते हो कि आप इंस्टॉलमेंट में भी आप फीस भर सकते हो. बहुत बढ़िया. तो और एक मेरा एक क्वेश्चन एक और है सर, कि हमारे जो बच्चे आते हैं उनको आप जैसे अदर एक्टिविटी और ये क्या करवाते हो? सी एक्टिविटीज में, सी लेटेस्ट थिंग्स दैट वी आर डूइंग इज फॉर द साइंस, the labs and all. Okay. And the latest computers we are going to install. Okay. And also latest library. Okay. Facilities. And also we have been planning to start English communication course. Okay. For all the students, so that you know that is a very important thing. Okay. If you explain anything, if the students do not understand okay. in English okay. and they cannot speak English, okay. then everything is zero. Yes, yes. Therefore, we thought that we will be focusing
on speak English. क्योंकि मैंने ज्यादातर आप जो बोल रहे हो वही पॉइंट पे मैं आता हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है कि स्कूल इंग्लिश मीडियम है लेकिन वहां पे बच्चे बोल रहे हैं गुजराती या हिंदी, यानी ये आपने बहुत अच्छा ऐड किया सर. वी आर हैविंग एवरी टीचर फ्रॉम चाइल्डहुड हु हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम. ओके, वी डोंट टेक एनी अदर टीचर्स कमिंग फ्रॉम अदर वर्नाक्युलर लैंग्वेज बिकमिंग इंग्लिश टीचर. ओके, फ्रॉम चाइल्डहुड इफ ही और शी हैज लर्नड इन इंग्लिश मीडियम देन ओनली शी कैन बिकम टीचर. ओके, यानी आप टीचर भी उसी तरह से अपॉइंट करते yes, हो yes. कि जो प्रॉपर इंग्लिश बोल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि गुजराती मीडियम में से आ गए और आपने उनको अपॉइंट yes, कर लिया. no. आप प्रॉपर जो टीचर होते हैं वो इंग्लिश जानते हो, उन्हीं को अपॉइंट करते yes, हो. तो सर ये बात तो आपने मुझे बताई. तो आपके जैसे यहाँ पे हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि बच्चे कहाँ कहाँ से आपके वहाँ पे आते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन आप किस तरह से अरेंज करते हो. सी वी हैव गॉट स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम वस्त्राल, यस, ओडव, ओके, एंड ऑल्सो मणिनगर, कोकरा, सिटीएम, एंड ऑल्सो दिस लालगेबी सर्कल हियर, रिंग रोड, हाथीजन, ओके, एक्सप्रेस वे दैट साइड एंड वटवा साइड, ओके, एंड दिस मेनी एरिया एंड दिस गत्राड एंड बाकरोल साइड, ओके, चिल्ड्रन आर कमिंग हियर, ओके, एंड दे हैव गॉट अ मीन्स ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एंड वी हैव बीन इन कॉन्टेक्ट. ओके, दे आर सेट इन इको स्मॉल वैन्स, फोर व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स, ओके, दे आर इन कॉन्टेक्ट एंड विद अ लो प्राइस दे ब्रिंग स्टूडेंट्स. तो दोस्तों फादर ने हमको बहुत अच्छी तरह से बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी तरह से रखी हुई है. यहाँ पे वान है, व्हीकल है, सब कुछ है और बहुत ही लो कॉस्ट में फादर अरेंज कर देते हैं. तो दोस्तों मेरे जो भी क्वेश्चन थे, मुझे तो बहुत जो जो मैंने क्वेश्चन सोचे थे मैंने तो पूछ लिए. अगर आप कुछ भी फर्दर क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फादर यहाँ का स्कूल का नंबर तो मैं आपको डालूंगा ही, तो आप वहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हो आपको और भी कोई फर्दर इंक्वायरी लेनी हो. तो फादर नाइस टू मीट यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. yes. तो दोस्तों एडमिशन ओपन है, अप्रैल कौन सा एंड थे, अप्रैल में एंड है, यस यस, टिल नो 5th जून को स्टार्ट होता है, इससे पहले सब एडमिशन होते हैं. यू गॉट 1-2 मंथ्स. तो दोस्तों एडमिशन ओपन है, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी टिल टू 8 तक के एडमिशन यहां पे अभी स्टार्ट है. तो आइए स्कूल की विजिट करिए. तो दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा, आपके बच्चे का फ्यूचर यहां पे बहुत ही सेफ है, बहुत ही बढ़िया रहेगा. दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में जो सेंट जेवियर स्कूल है उसकी जो मेन चीज है उसके बारे में बताऊंगा. तो दोस्तों अभी ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एक आप बोर्ड लगाया है, ये यहाँ का मेन थीम है. जो सेंट जेवियर स्कूल वाले क्या एक्स्ट्रा देते हैं आप देख सकते हैं, इंट्रोड्यूस एंड इनोवेटिव कम्युनिकेटिव. देखिए इसमें कहा गया है कि इंक्रीजिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज, बिल्ड कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, ओवरऑल लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, इनरिचेस वोकैबुलरी एंड इनहेंस लैंग्वेज प्रोफेशनली. तो दोस्तों ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर एक एक्स्ट्रा डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे स्टार्ट की है. तो दोस्तों मैंने आपको कहा ना कि सेंट जेवियर स्कूल के अंदर बच्चा आएगा तो उसका फ्यूचर तो सेफ है और उसके साथ में वो कई चीज़ें और भी एक्स्ट्रा सीखेगा. तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे वीडियो फिर से बनाऊं. तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है स्कूल से रिलेटेड. अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे यस करके कमेंट बॉक्स में देना, तो मैं आपके लिए ऐसे दूसरे भी वीडियो बनाऊं. तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नई साइट के साथ में. थैंक यू.